आखिरकार तेजो ने फतेह को दे ही दिया तलाक, लेकिन क्या इस डायवोर्स से शुरू होने जा रही है फतेह सिंह विर्क और तेजो संधू की एक नई जिंदगी? क्या दूर होकर भी इन दोनों की किस्मत लेकर आएगी इन्हें करीब? हे गाइस, वेलकम टू टैली पीप्स, जहां पर मैं आपके साथ आपकी दोस्त प्रिया शो उडारिया से जुड़े लेटेस्ट अपडेट की ताजा तरीन अपडेट लेकर हाजिर हूँ टैली पीप्स पर। तो आप इसको लास्ट तक जरूर देखेगा। गाइस, आप लोगों को बता देते हैं कि फाइनली डिवोर्स पेपर पर फतेह और तेजो ने साइन कर दिए, दोनों का डिवोर्स हो गया। एमएलए खुशबीर सिंह ने भी अब मन मार कर इस डिवोर्स को एक्सेप्ट कर लिया है और अब खुद ही वो तेजो को उसके घर संधू परिवार में छोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो वहीं जैस्मिन की खुशी का ठिकाना नहीं है, तो वहीं पूरा परिवार जो है वो काफी दुखी है, चाहे बात विर्क परिवार की हो या फिर संधू परिवार की। दोनों ही परिवार के दिल टूटे हैं, दोनों ही परिवारों के आंखों में आंसू है और सिर्फ वजह एक, जैस्मिन। वेल गाइस, फतेह अब खुश भी है और नाखुश भी है। फतेह को ऐसा लग रहा है जैसे उससे कुछ बहुत चीजें जो है छिन सी गई है, वो परेशान है, बौखलाया हुआ है। वहीं जैस्मिन काफी खुश है और तरह तरह के अरमान सजा रही है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि किसके अरमान टूटेंगे, किसकी जो ड्रीम्स है वो टूट कर बिखर जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि तलाक के बाद भी फतेह और तेजो जो है एक दूसरे से दूर होकर भी बेहद करीब होंगे। जैस्मिन पास होकर भी फतेह को बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाली है, जिसके बाद फतेह को रियलाइज होने वाला है कि फतेह ने बहुत बड़ी गलती की है। तेजो ही उसकी वाइफ थी और वही उसके लिए अच्छी लड़की थी। वेल, देखते हैं कि कब और किन हालात में फतेह को ठोकर लगेगी और वापस लौट कर फतेह तेजो के पास आएगा। क्या तेजो की जिंदगी में कोई और दस्तक दे चुका होगा? क्या तेजो मूव ऑन कर चुकी होगी? वेल गाइस, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।